आज हम अपने इस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम हम लोगों ने इंस्पायर रखा हुआ है। हम लोगों ने एक विजिट करवाई थी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 8 SAM के बच्चों की थी। कि वहाँ पे उन्होंने एक रानी कमलापति, जो कि बंसल ग्रुप के द्वारा रीडेवलपमेंट किया गया है, वहाँ पे उन्होंने एक पूरे के पूरे रानी कमलापति का एक मॉडल देखा और बच्चे वहाँ से इंस्पायर हुए कि क्यों ना हमारे कॉलेज का खुद का हो। तो बच्चों ने आके हमसे बात की कि सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो हमने भी अपने मैनेजमेंट में बात रखी, हमारे डायरेक्टर्स तक बात रखी, जॉइंट सेक्रेटरी तक बात रखी और उन्होंने बोला कि बच्चों को आप करने दीजिए, बच्चों को फ्री हैंड दीजिए, जो हमसे सपोर्ट लगेगा हम वो आपको देंगे। कहाँ पे वाटर टैंक्स हैं, कहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, कहाँ पे नेट्स हैं, कहाँ पे लाइब्रेरी है, हर चीज़ का एक डेटा बनाओ, एक सर्वे करो डायमेंशंस के साथ। जब हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन किया, फिर ये बच्चे हमारे पास आए, हमने मैनेजमेंट को शो किया और फिर उसके बाद हमने इसकी कास्टिंग स्टार्ट की। कास्टिंग के लिए हमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम कौन से मटेरियल को यूज़ करें जो कि इकोनॉमिकल भी हो। बच्चों ने इसमें कुछ चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की, जैसे कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया इन्होंने, क्योंकि अभी तक नहीं था। जैसे अनयूज लैंड थी तो वहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रपोज की है, इरीगेशन, जो ड्रिप इरीगेशन, हाइड्रोपोनिक, जो भी नई चीज़ें उसका, और जितना भी यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है, जो वेस्ट वाटर है, उसको हमने ट्रीट किया है कॉलेज के बैक पोर्शन पे। जो टॉप फ्लोर है कॉलेज के, उस पे सोलर पैनल यूज किए हुए हैं एंड उसकी एनर्जी को हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया हुआ है। तो हमने ऐसे कर करके बहुत सारी चीजों की कास्टिंग यहाँ पे की और उस कास्टिंग को अपने यहाँ पे इन हाउस बच्चों ने खुद अपने हाथ से की। जो वर्कशॉप में जो सर लोग थे उन्होंने भी मदद की बच्चों की। मॉडल को बनने में लगभग 3 महीने लग गए और यही रीजन है कि हमने इस प्रोजेक्ट का नाम इंस्पायर रखा।